परली साइड रोड देखो, रोड देखो, उधर रोड देखो। नमस्ते सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मेरा चैनल है, कोई बात नहीं, नाम क्या? कोई नहीं, हमारा चैनल है, अपना ही है। तो वेलकम बैक टू द चैनल रेकलेस एडवेंचर। इट्स रेकलेस एडवेंचर, रेकलेस। ओके, तो जी हम निकल चुके हैं एक नए दिन की शुरुआत पे। दिन तो नहीं, वैसे दिन खत्म हो गया, रात होने वाली है, शाम हो गई है, शाम के 6:30 हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं यूलाकांडा, जो कृष्ण का वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल है वहाँ पे। तो अभी बारिशों के चलते वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुई है, रोड क्लोजर हुआ है, वो कुछ अपडेट्स आई थी बताया था, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि रास्ते खुले हैं या एक एक करके, जैसे पहले मनाली लैंडस्लाइड में कर रहे थे कि हाँ एक तरफ का पहले ओपन कर देंगे, फिर एक तरफ की गाड़ी पहले निकलेंगे फिर दूसरी तरफ की, तो वैसे कुछ हो जाएगा। तो बाकी वो हमें अभी जाके ही पता लगेगा। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और आप लोगों को मिलते हैं वादियों में पहुँच के, क्योंकि वादियाँ चंडीगढ़ से शुरू हो जाती हैं 1.5 घंटे बाद। तो भाई वीडियो में जरूर बने रहना, भाई वीडियो में जरूर बने रहना, भाई बने रहना, इसकी वीडियो में भी बने रहना, ठीक है? छक्के हो जाओ। हाँ जी गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं ज्यूरी और अभी ट्रिप थोड़ी और बाकी है। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं ढाबे का नाम पढ़ा था भाई किसी ने, हैप्पी ढाबा, बाद में बता दे कौन सा ढाबा था। रेंडियो का ढाबा पर अनफिल्टर्ड पर अच्छा है, पराठे बोल दिए, पराठे खाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ के नज़ारे हो रखे हैं इस टाइम पे, सुबह की शुरुआत नज़ारों के साथ बहुत ही ज़्यादा। ये पूरा जंगल है और मैं बेयर ग्रिल्स को चुनौती देना चाहता हूँ कि इस जंगल में आके एक दिन सर्वाइवल करे, एक दिन, सिर्फ एक दिन। तो बेयर ग्रिल्स के पास ये वीडियो पहुंचा दो, ठीक है? टैग कर देना गाइस, टैग मैं कर दूंगा भाई, ठीक है? रोजा वाले को नहीं, चैलेंज कर रहा है असली वाले को, एआई वाले को नहीं। और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस यही है यार। अभी हम ज्यूरी में खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ जो एरियाज होते हैं ना वो जाटों ने कब्जा लिए हैं। कैसे भाई? होते ना जाट बिरादरी 36 में एक, देख इधर लेके चल। ये जो सफेद सफेद दिख रहा है आपको, ये सफेद सफेद और वो ऊपर सफेद सफेद, ये जितना भी सफेद है ये कोई बादल नहीं है, ये कुछ नहीं है, पहाड़ी के पीछे भी इवन की ये है हुक्के का धुआं। जाट, ये सारे जाट एक कम्युनिटी बैठी है वहाँ पे और इन्होंने हुक्का जला रखा है। पहाड़ भी जाट थे, ऑब्वियसली बात है, क्या पता पहाड़ भी धुआं छोड़ रहे हो। हम है जाट बोल दे मामा, चीता ही कहते बहुत छत्तीस में से 5 बिरादरी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, शेयर और सुन, सीता ही कहते भाई अभी। भाई तो ब्रेकफास्ट हो गया डन और ब्रेकफास्ट के बाद अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। रास्ते शायद ओपन है क्योंकि पीछे एक एचआरटीसी की बस लगी है जिसने रिकॉन्गपियो जाना है, जो आगे ही बढ़ेगा और बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। यार मेरा व्लॉग आरुष भोला वाला व्लॉग नहीं है, मेरा व्लॉग डिफरेंट होता है। तेरे को भूख लगी है अभी भी? तो फिर क्यों चबा रहा है इसको भाई? क्या चबा रहा है? बस ये नजारे हैं कुछ पीछे के, बहुत ही बढ़िया नजारे हैं, बस निकल रहे हैं। वीडियो बन रही है ना, मैं कभी कभी नहीं, अब नहीं बन रही है, मेरे को पता लग गया। तो ठीक है चलते हैं आगे, देखते हैं रोड के हालात क्या है और आगे जाते हैं नहीं जाते हैं पता लग जाएगा। नहीं नीचे के हालात नहीं दिखा रहा मैं, गम पे हिसाब थे, अलग ही वफा के जाब्ते, अलग ही हैं अगर मंजिलें तो क्यों ना अलग ही रखें हम रास्ते, क्यों ना आज से मिटा दें ये किस्मत हम हाथ से, और सहन आजाद हो याद से, हम मिट जाएं जा मिले खाक से, तेरे शहर भी आए पर सफर से खत्म ना हुए ये फासले, जख्म भरे ना बड़े बेरहम से पेश आए हैं हाथ से,
बात से बात निकाली के तेरे दिल पे लग जाए मेरी बात कोई, तू टूटते तारों पे मांगे मुझे तुझे मयसर हो ऐसी रात कोई। I've been working a lot, लिखना नहीं छोड़ता लिखना ही तोड़ है, बिकते हैं ये गाने लाखों में, क्या ये सब पैसे का शोर है। कल साथ ना होंगे पर याद तो होगी, और बोलो ना जिंदगी क्या है, यादों की माला है, यादों के अलावा कभी कुछ बाकी रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, तेरे दर में आ बस तू ही खड़ा है, झुकाव जरूरी है उससे जाहिर होता है कि तू ही बड़ा है जिसे गए हुए खुद से। हम लोग आ गए हैं चेक पोस्ट पे जो जूरी के आगे आता है, और इस चेक पोस्ट में हमें क्या सुनने को मिला है कि कल रात को ही रास्ते बंद हुए हैं, जैसा कि हमने पता किया था कि रास्ते ओपन हो चुके हैं, बट ये बता रहे हैं कि कल रात को ही रास्ते बंद हुए हैं क्योंकि बारिश हुई है। और अभी भी कह रहे हैं कि जब तक, मतलब बारिश तो नहीं, अब तो ड्रिजल कह सकते हैं हम कि हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, बट फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि अभी रास्ते अगर बंद है तो जाने नहीं देंगे क्योंकि लैंडस्लाइड एरिया है और पहले ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और मतलब बाहर की गाड़ी वगैरह देख के तो वैसे भी इनको थोड़ा लगता है कि हाँ शायद कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए इन्होंने अभी रोका हुआ है हमें। और ये भी वेट कर रहे हैं क्योंकि कल रात को जो गाड़ियाँ थी वो भी फंसी हुई हैं, जो गई हुई हैं कल रात की, तो ये भी वेट कर रहे हैं। इन्होंने हमें पीछे रोक दिया है कि अगर इन केस अगर वो आगे से अलाउंस दे देते हैं तो ये हमें जाने देंगे यहाँ से, बट अगर अलाउंस नहीं आती है तो वी डोंट नो कि कैसे क्या होता है आगे का। तो अभी तक ऐसा कुछ भी, मतलब प्लान तो यही था कि यूलाकांडा ही जाएंगे आज, बट अब देखते हैं बाकी जैसे कृष्ण जी की मर्जी। और फिलहाल सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, रात को तो सो गए थे, मतलब थोड़ी नींद वगैरह आ गई थी सो गए थे रात को, और ऊपर से इतना मतलब रोड तो बहुत प्यारे थे, बट कैमरा के अंदर वो चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो सकती जो अंधेरे में, क्योंकि कैप्चर नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ शूट नहीं किया या कोई फोटो वगैरह क्लिक नहीं करवाई, सो गए थे। और अब सुबह का जो मौसम है वो इतना प्यारा हो रखा है यहाँ पे, जो शॉट्स हैं वो आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस रोड ट्रिप का तो मज़ा है ही है अलग, बट अभी जो हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो आगे होता है उसका भी पता लगेगा, तो मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा हुआ है, एक गेम हो गई है हमारे साथ। तो गेम ये हुई है, जहाँ पे हम चेक पोस्ट पे रुके थे वहाँ पे अभी एक HRTC की बस पास हुई है, और उस बस ड्राइवर ने साफ बोला कि ये तो नहीं खुलेगा जी, मतलब आज के लिए रास्ता, आज के लिए तो क्या, मेरे को लगता है शायद कल के लिए भी नहीं खुलेगा क्योंकि लैंडस्लाइड अभी भी चली हुई है, और लैंडस्लाइड के साथ साथ रास्ता पूरा ब्लॉक कर रखा है। जो बसेज हैं सिर्फ वो जा रही हैं, एक आगे पोर्शन तक जाएंगी, वहाँ से फिर सवारियाँ पैदल आगे जा रही हैं और दूसरी बस उनको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रही है, और वहाँ से जो आ रहे हैं ये जो बसेज गई हैं वो उनको लेके आ जा रही है। तो पब्लिक व्हीकल्स को तो बिल्कुल मना कर रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत खतरनाक हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है 1% भी। मौसम देख सकते हो इस टाइम पे दोबारा बारिश का ही हो गया, मेरे को तो लग रहा है ऊपर बारिश हो भी गई होगी जिस हिसाब से बादल आ चुके हैं बिल्कुल। और पुलिस भी हमें यही सलाह दे रही है कि अब जो है जो सीज़न ऑफ टाइम हो चुका है तो ना जाएं तो बेटर है क्योंकि रेस्क्यू के लिए कोई नहीं होगा, एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग निराशाजनक चेहरे, ये सब निराशाजनक चेहरे हैं कि अब कैसे आगे जाना होगा। और हमारे भी वैसे ही कुछ चेहरे हैं, सबके चेहरे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सबके चेहरे ऐसे भाई, भाई मूड खराब तो हो गया है। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी आगे का प्लान कहीं बनता है, करते हैं भाई आगे का प्लान। सुबह से लगे हुए हैं लाइन में और अभी तक रोड ओपनिंग की कोई आशंका, क्या बोलते हैं, कोई आशंका नहीं है। और आशंका नहीं कुछ तो होता है यार, आशंका ही है, मतलब कोई अपडेट नहीं है यार, हमें नहीं पता, हमें हिंदी भी नहीं आती, हमें इंग्लिश भी नहीं आती। तो अभी खाना खाने के लिए रुके हैं कल्लू सहयोगी ढाबे में, खाना भी खाने का मन तो नहीं करता पर खाना पड़ेगा, हिम्मत चाहिए थोड़ी सी। क्या बोलते भाई, अब नहीं बोला जाएगा तेरे से अपने ब्लॉग में साढ़े जितना बजे मुतवा लो। मैंने क्या बोलते हो भाई, तो ये है कर रहा है नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ भाई खाने वाने का हिसाब से खाना पड़ेगा भाई, सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे हैं हम लोग, है क्या, नहीं नहीं वहाँ से तो नहीं आए, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, ये नीचे सतलुज है और वहाँ पे मैं अभी जूम करता हूँ थोड़ा, वाटर दिख रहा है,
जाम का एंड नहीं है, उसके आगे पीछे रोड हो रहा है उसमें और ज़्यादा जाम लगा हुआ है, और जाम कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से तो ऑलमोस्ट होगा 2 से 2.5 किलोमीटर का जाम, मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है। सबसे पहले गाड़ी हमारी लगी थी सुबह 7 बजे ही आके, और अभी तक निकल नहीं पाया है, बाकी देखते हैं अभी कब तक खुलता है रास्ता। तो जी हम जो चौरा नाम की जगह पे जहाँ चेक पोस्ट है जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से हम लोग वापस निकल गए हैं, और पुलिस वालों का कहना है कि सुबह 5 बजे गाड़ियाँ छोड़ेंगे दोबारा, पर अब हम आज सुबह 5 बजे से लगे हैं, कल सुबह 5 बजे फिर लगेंगे। और हमें कितने दिन हो गए सोए हुए भाई? 2 दिन। 2 दिन तो अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस के बाद अगर आज भी लगते और कल भी नंबर नहीं आता, कल भी नहीं निकल पाते क्योंकि अभी 2 पत्थर और गिरे ऊपर से बड़े बड़े, वो भी शायद कह रहे हैं वो भी कल का भी शायद ही कह रहे थे। सी बात है, भगवान है नाराज हमसे। हाँ बिल्कुल भाई, भगवान बिल्कुल दर्शन नहीं देना चाहते हमें, पता नहीं क्यों कैसा हो रहा है भाई, दिल बैठ गया भगवान का। अब भाई उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी। हाँ हम सुबह से हमें एक भी होप मिल रही थी ना कि यार ठीक है, कि हाँ होता है। अब हम चुपचाप ही बैठ जा रहे थे कि हाँ ठीक है भाई जाएंगे शाम को, जाएंगे शाम को, जाएंगे कोई बात नहीं। पर अब कुछ हो ही जब नहीं पाया तब हमने भी मुड़ के फैसला लिया कि कहीं और देखते हैं, अभी कहीं और का भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बस हमने गाड़ी वापस घुमा ली है ताकि एटलीस्ट यहाँ से मतलब ये जो गाड़ियां लगी है ना ये बाहर, ये सारी गाड़ियां पीछे जाम में फंसी हुई थी, ये इन्होंने यहाँ पे लैंडस्लाइड से बचने के लिए लगा दी है कि साइड में थोड़ा एक खड़ी करके लगा दे। हाँ चल थोड़ा दुख तो है कि नहीं गए, पर कोई अच्छी चीज है कि नहीं गए होंगे। देखो भगवान ने कोई अच्छा चीज सोचा होगा। दो चीज होती है, या तो भगवान नाराज होता है या तो भगवान मना कर रहा है कि अभी मेरे पास मत आओ तुम्हारा तो मैं बचा रहा हूँ। वही चीज है भाई, या तो प्रेम, या तो प्रेम है या क्रोध का प्रतिशोध, देखते हैं भाई क्या होता है। मैं तो प्रेम लेके अब देखते हैं क्या करना है। चलो देखते हैं भाई कैसे बनता है, भगवान ने हमारे को इशारा सामने आ जाएगा। तो जी पीछे की कहानी आप सबको पता है कि हमारा बेसिक ट्रिप एकादी कैलाश का होने वाला था, बट ड्यू टू परमिट रीजंस हमने ट्रिप कहीं और का प्लान किया और हम लोग निकले यूला कांडा के लिए। यूला कांडा पहुँच के जो लैंडस्लाइड थी वो कंटिन्यूस चल रही थी, हमने वहाँ पे मॉर्निंग में 6 बजे पहुंचने के बाद लाइन में गाड़ी लगा दी थी, मतलब सबसे पहले गाड़ी हमारी थी। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को अपडेट दिखाया था वहाँ पे कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है या अभी तक कुछ भी मतलब चांसेस नहीं है जाने के, बीच में एक दो बारी होप्स मिली, तो हम लोगों ने बेसिकली वहाँ पे कुछ 13 या 14 घंटे इंतज़ार किया था। रात को 7:30 बजे हम लोगों को जब कोई रास्ता नहीं मिला तब हमने सोचा और प्लान किया कि हम निकल जाते हैं मनाली के लिए। अब मनाली के लिए तो हम लोग निकल गए, लेकिन हुआ क्या कि मनाली के लिए वहाँ से बहुत ही शॉर्ट रास्ता पड़ता है एक वाया अन्नी करसोग होकर, हमने सोचा कि हम वो रूट पकड़ते हैं और वहाँ से निकलने के बाद जो है शायद 4-4.5 घंटे का हमारा ट्रैवल था। वो हम लोग गए, एक तो बहुत सीनिक रूट था बट रात को ऑब्वियसली हम कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। तो हम लोगों ने नॉर्मली बस इतना ही किया कि हम निकल गए और वहाँ से बिना शूट किए अपना ट्रैवल ट्रिप का एंजॉय करते हुए, थकान भी बहुत ज़्यादा थी। आगे हम जाते हैं तो जलौड़ी पास से कुछ अराउंड 8 या 7 किलोमीटर पहले हमें उस रोड पे भी लैंडस्लाइड मिलती है, और कोई छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी लैंडस्लाइड थी, और पत्थर गिर रहे थे इसलिए हमने गाड़ी रोकी भी नहीं, हमने फटाफट से उसको रिवर्स में डाला और हम लोग वहाँ से गाड़ी घुमा के निकल गए वापसी के लिए। अब वो जो रोड है वो सिंगल लेन रोड था, वहाँ पे लैंडस्लाइड वाइल्ड लाइफ एरिया सब कुछ था। अब वहाँ से हमें टेंशन हुई कि अब हम क्या करें, हमारा तो मनाली भी कैंसिल हो गया था एक तरीके से, पर फिर हमने सोचा नहीं करना पड़ेगा चलेंगे। देन हमने अदर रूट जो है जो कि बहुत ज़्यादा हमें लंबा पड़ा वाया शिमला होकर, ब्रेड ऑमलेट उस रूम में होंगे, हाँ रख दो आप। तो तब हम लोगों ने शिमला वाला रूट पकड़ा और ऑलमोस्ट हम पहुंचे हैं कुछ यहाँ पर 16 घंटों बाद। चौरा नाम की जगह थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मनाली पहुंचने में हमें लगे हैं 16 घंटे। यहाँ आकर कोई हालत कुछ नहीं थी, आते ही नहाया धोया और सो गए। रात को उठे मॉल रोड गए थे लेकिन कोई वीडियो शूट कुछ नहीं किया क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी मैं क्या बताऊँ।
मेरा तो अभी भी ऐसा मन नहीं था कि मैं इस व्लॉग को एंड कर पाऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग कंटिन्यूस जाने वाला है या मैं यहाँ पे इसको एंड करके नया व्लॉग शुरू करता हूँ। अभी फिलहाल एक ये था कि अपडेट थी, हम लोग मनाली पहुँच चुके हैं। आगे के प्लान्स अभी हमें दिखाई देंगे, मतलब अब हम कोई प्लान करके नहीं चल रहे कि यहाँ जाना है, क्योंकि जहाँ भी प्लान कर रहे हैं कैंसिल ही हो जा रहा है। तो जो भी सामने आएगा वहाँ जाएंगे हम और आपको भी वही चीज़ दिखाएंगे हम। तो बने रहिए। तो देख ले जो अब मेरी तरफ, तो हो खत्म मेरी भी ये सजा।